हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के एक खास वीडियो में। दोस्तों आज हम इंडिया में जितने क्रिप्टो यूजर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के जितने भी यूजर्स हैं भाई, उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेकर आए हैं, जो कि जानना आप सब लोगों को बहुत ही ज़रूरी है भाई। ये क्रिप्टो करेंसी एक मिनिस्ट्री से, आपने भारत के मिनिस्ट्री से एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है भाई, इसे जानना आप सब लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको ये न्यूज़ जानना बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, आप सब लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इसे देखने के बाद भाई। उसके साथ साथ भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब लोगों को क्रिप्टो करेंसी से लेकर बहुत सी बेहतरीन जानकारियां इस चैनल पर डे मिलती रहती हैं, खासकर पाई नेटवर्क यूजर्स के लिए तो हर एक चीज आप सब लोगों को इस पर अवेलेबल रहेगा। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाई नेटवर्क से रिलेटेड या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप सब लोगों से मिस ना होने पाए। तो भाई ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं आप सब लोगों को क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज भारत की तरफ से कौन सा बहुत ही बड़ा न्यूज आया है भाई, ये आप सब लोगों को बहुत ही ज़रूरी है जानना भाई। तो देरी ना करते हुए भाई, हम आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे आप सब लोगों को, उसके बाद भाई उसकी हिंदी मीनिंग भी आप पर आप सब लोगों को एक फ़ोटो दिखाएंगे भाई। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप सब लोग देख सकते हैं उनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन आज एक नोटिस जारी की गई है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जी हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही बढ़िया जानकारी है, आप सब लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये इंडिया के लिए है, जितने क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए ये नोटिस है भाई, आप सब लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर भाई आप सब लोग देखें तो परमिशन बाई क्रिप्टो एक्सचेंज टू ट्रांसलेट विदाउट KYC, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसलेट विदाउट KYC। उसके बाद 1816 श्री सुशील कुमार मोदी भाई, इनकी तरफ से कुछ सवाल पूछे गए थे कुछ, यहाँ पर आप सब लोग देख पाएंगे। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लेस्ड टू स्टेट भाई, इनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप सब लोग देख पा रहे होंगे चार क्वेश्चन थे, उसका आंसर आप सब लोग देखेंगे तो आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने इसका पूरा आंसर दिया है। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल कौन कौन से थे और इसके बारे में इसका आंसर क्या क्या निकल के आया है। तो भाई आप सब लोगों को इसका हम हिंदी ट्रांसलेटन पर, अपने हिंदी ट्रांसलेट पर ले चलते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग दिखाते हैं भाई। तो यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे, हम अपने गूगल ट्रांसलेटर पर आ गए हैं और वहाँ पर आप सब लोग देखेंगे वही न्यूज़ आप सब लोगों के सामने हम यहाँ पर कॉपी किए हैं। मिनिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते होंगे, फाइनेंस यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भाई यहाँ पर देखेंगे, आपकी को इसकी हिंदी मीनिंग से आप सब दिखाएं तो आप सब लोग देख पाएंगे भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग राज्यसभा। उसके बाद भाई यहाँ पर देखेंगे आंतरांकित प्रश्न संख्या 1816 का उत्तर भाई यहाँ पर देखें, उसके बाद टाइम दिया, डेट दिया गया है, उसके बाद 1816 को दिया जाएगा। इसके बाद भाई किसने पूछा था, यह आप सब लोग देख सकते होंगे, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजों की अनुमति KYC 50 के बिना लेन देन क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। आप सब लोग देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन इनका था, क्या यह सच है कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों ने अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील जैसे देशों के नागरिकों को KYC AML अनुपालन उनके विवरण यहाँ पर देखेंगे LTE के बिना लेन देन करने की अनुमति दी है। उसके बाद बी का क्वेश्चन था, इनके पास देख सकते होंगे, इन क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा वैश्विक पूंजी उद्यमों से प्राप्त राशि जिसके लिए यहाँ पर प्रकटीकरण नहीं किया गया है। उसके बाद सी आप सब लोग देख पाएंगे, क्या भारत क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर देख सकते होंगे दिया गया है, आप सब लोग देखेंगे, क्या भारत की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने बिना किसी समझौते के विदेशी मुद्रा के वॉलेट इंफ्रा का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद देख सकते होंगे डी का ऑप्शन क्वेश्चन था, क्या कुछ एक्सचेंजों ने कभी विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के लिए विदेशों में स्थित तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों का उपयोग करके और उस पर कमीशन अर्जित करने की सुविधा प्रदान की है। तो भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके बाद उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने इसका दिया है,
ए से लेकर डी तक के सभी सवालों का आपको आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसी अनियंत्रित है, सरकार ऐसी जानकारी पर कोई डेटा एकत्र नहीं करती है, हालांकि प्रवर्तन निर्देश, यहाँ पर देखेंगे निर्देशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 उसके बाद के प्रावधानों के तहत वजीरेक्स के खिलाफ क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित 2 मामले की जांच कर रहा है। उसके बाद भाई यहाँ पर देखेंगे वजीरेक्स के खिलाफ जांच हो रही भाई, उसके बाद एक मामले में अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में जान माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित वन इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, उसके बाद वजीरेक्स यहाँ पर कैमेन आईलैंड आधारित एक्सचेंज बीनेंस के 4 दीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था। इसके अलावा यह पता पाया गया है कि 2 एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे। उसके बाद भाई आप सब लोग देख पा रहे होंगे और इस प्रकार रहस्य में बंद थे। तदनुसार क्रिप्टो पर स्थित यहाँ पर देखेंगे पर संपत्तियों के जावक प्रेरण की यहाँ पर अनुमति देने के लिए यहाँ पर देखेंगे वैक्सीरेक्स के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद 22,790 करोड़ की कीमत अज्ञात वॉलेट में, भाई इसमें आप सब लोग सोच सकते होंगे कितनी बड़ी रकम है जो कि अज्ञात वॉलेट में है, जो जिसका कोई अता पता नहीं है कि किसके वॉलेट में है। भाई आप सब लोग सोच सकते होंगे ये बहुत ही बड़ी रकम होती है भाई, 22,790 करोड़ रुपए। उसके बाद भाई इसके बाद आप देखें तो इसके अलावा एक अन्य मामले में यह देखा गया है कि भारतीय एक्सचेंजों वजीरेक्स ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ साथ यहाँ पर देखें FTX बिनेंस उसके बाद इत्यादि जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण का उपयोग करने की अनुमति दी है। और ट्वीट यहाँ पर देख सकते होंगे भाई, इसमें तीसरे पक्ष को कोई भी हक नहीं होता कि वो इसमें दखल अंदाज करें, लेकिन इसमें वजीरेक्स जो है बाइनेंस देख सकते होंगे ये तीसरे पक्ष को भी स्थानांतरण के लिए अनुमति दिया गया है भाई। तो ये आप सब लोग देखे होंगे, ये आप यहाँ पर आप सब लोग देखें तो मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भाई आप सब लोगों के लिए ये आज की नोटिस है। आप सब लोगों के जो मन में बहुत दिन से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल उठे थे भाई, उसको लेकर यहाँ पर जो जांच की जा रही है उसके मामले की यहाँ पर रिपोर्ट आप सब लोगों के सामने है। तो भाई कैसा लगा आपको ये न्यूज़? उसके साथ साथ भाई पाई नेटवर्क वालों के लिए भाई कुछ बेहतरीन न्यूज़ आई हैं तो हम उसके बारे में भी बात कर लें, क्योंकि भाई पाई नेटवर्क के यूजर्स इस समय बहुत ही तेज़ी से माइनिंग कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क की कुछ नई जानकारियां हम सब लोगों को मिले। तो भाई उनके लिए आप सब लोगों के पास सबसे बेहतरीन आज की न्यूज़ है पाई नेटवर्क ऑलवेज। यहां पर देखेंगे सिक्योरिटी के को लेकर भाई पाई नेटवर्क की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया गया है, जो कि जानना आप सब लोगों को ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने सिक्योरिटी को कैसे सेव करेंगे। इसके बारे में भाई यहां पर एक लिंक दी गई है, इस पर आप सब लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है। उसके बाद भाई जो मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट हुआ है या फिर जो बोले रिपोर्ट आई है उसका वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे हिंदी में भी पढ़ सकेंगे भाई। उसके बाद भाई हम इस लिंक पर क्लिक करके चलते हैं, इसमें क्या बताया गया है हमारी सिक्योरिटी को लेकर, पाई नेटवर्क की सिक्योरिटी को लेकर। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखेंगे पाई नेटवर्क अकाउंट सेफ्टी, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं भाई, इसका हम आपको हिंदी में दिखा दें, इसके बारे में भी आपको हिंदी में अपने गूगल ट्रांसलेटर पर चलने वाले हैं। गूगल ट्रांसलेटर पर जाने के बाद भाई आपको इसके बारे में भी बताने वाले हैं कि इसमें आखिर क्या बताया गया है। भाई यहाँ पर देख सकते होंगे हमने इसको टाइप किया, उसके बाद भाई इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या है इसकी हिंदी मीनिंग, जो कि आप सब लोगों को गूगल पाई नेटवर्क की सेफ्टी को लेकर बताया। तो भाई यहाँ पर आप सब लोग देखें पाई नेटवर्क खाता सुरक्षा है। पायनियर्स, आज हम आपके पाई खाते के साथ सुरक्षित रहने और संभावित स्कैमर प्रतिरूपण करने वालों के यहाँ पर देखेंगे दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के से सावधान रहने के बारे में कुछ शैक्षिक जानकारी साझा करेंगे। पाई नेटवर्क का संग्रम दृष्टिकोण सभी पायनियर्स के लिए एक समावेशी और व्यापक रूप से वितरित डिजिटल मुद्रा और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, एक सामाजिक
ब्लॉकचेन के रूप में नेटवर्क सच्ची मानवता को महत्व देता है और इसीलिए मेननेट प्रवास से पहले अनिवार्य केवाईसी जैसे सख्त उपाय हैं। बाट खाते को पाई खाते से लाभ की अनुमति नहीं है और प्रति व्यक्ति केवल एक खाते की अनुमति है। भाई आप सब लोगों को साफ साफ देख पा रहे होंगे इसमें बताया गया है, तो भाई इसमें आप सब लोगों ने साफ साफ देखा होगा कि जितने पाई नेटवर्क के यूजर्स हैं भाई, अगर आप एक नेम से दो दो पाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं भाई, तो आपका पाई ब्लॉक हो सकता है भाई, इसके लिए आपको सावधान रहना है। उसके बाद भाई ये अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए भाई आप सब लोगों को इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, वहाँ से जाके आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे हिंदी में पढ़ पाएंगे भाई। तो भाई इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाई नेटवर्क से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप सब लोगों से मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।